तो ले लिया टेस्ट रिपोर्ट, अभी मैं बैठा हूँ ई रिक्शा में, जा रहा हूँ घर के। ओ लगा दिया चार्ज में। ये अभी पानी गिरा, रोड पूरा भीगा हुआ है। तो इतने दिनों के बाद गाड़ी निकाला तो गाड़ी में भाई चार्ज नहीं था। बताएगा मॉर्निंग दोस्तों, मैं ना अभी जा रहा हूँ वो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो लाने के लिए, उसी के साथ कोशिश करूँगा अगर हो सके तो डॉक्टर को भी दिखा के आएगा। तो इतने दिनों के बाद गाड़ी निकाला तो गाड़ी में भाई चार्ज नहीं था। चार्ज देखो तो रखा था फुल चार्ज, लेकिन गाड़ी में चार्ज नहीं था, दोबारा बैठाना पड़ा चार्ज। ये देखिए लगा दिया चार्ज में, 50% से ब्लिंक कर रहा है, यानी कि 30% से 50% का ऊपर ब्लिंक कर रहा है। ये चार्ज में लगा दिया, बैठा दिया चार्ज में, अभी जाएगा मेरे लैब की ओर वो रिपोर्ट लाने के लिए। देखिए मौसम तो ठंडा है, ऐसे छाव है, लेकिन गर्मी है मौसम का अंदर ना, तो गर्म जो है वो महसूस हो रहा है। देखिए शरीर से पसीना निकल रहा है। जो भी हो मैं अभी जा रहा हूँ वो लैब की ओर, वहाँ से रिपोर्ट लेगा, लेने के बाद अगर हो सकेगा तो डॉक्टर को भी दिखा के आएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आज नहीं दिखा पाया तो मंडे को जाएगा, यानी कि सोमवार को। तो चलिए चलते हैं, मेरा जो ब्लड टेस्ट किया था उसका रिपोर्ट लाने के लिए। तबीयत जो है पहले से थोड़ा सा बेहतर है दोस्तों, उतना अच्छा नहीं है। शरीर में जो है ना, जो एनर्जी मिलना चाहिए था उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है। जो भी हो अभी जाएगा, रिपोर्ट उठाएगा, उठाने के बाद दिखाएगा डॉक्टर को, देखता है डॉक्टर क्या बोलता है, उसके बाद अगर नया कोई दवा देता है तो वो खाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं रिपोर्ट लाने। तो दोस्तों ले लिया टेस्ट रिपोर्ट, अभी मैं बैठा हूँ ई रिक्शा में, जा रहा हूँ घर की ओर। मेरा हाथ में है वो रिपोर्ट, घर में जाने के बाद कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर, और जिस ई रिक्शा में बैठा हूँ ना उस दिन मैं अकेला था, आज भी मैं अकेला ही हूँ। तो जा रहा हूँ मैं घर की ओर, ये रहा झोला जिसमें कि ये रिपोर्ट है, इसी में है वो रिपोर्ट। दोस्तों डॉक्टर का रिपोर्ट लेके तो आ गया, लैब रिपोर्ट जो है वो तो लेके आ गया, लेकिन आप लोगों को दिखाना भूल गया। तो मैं काम करने के बाद जब घर जाऊंगा ना तो दिखाऊंगा आप लोगों को। कुछ दिनों से ना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर एक रास्ता में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो कॉमन सेंटर है ना, जहाँ सवारी उतारता है उठता है गाड़ी पे, उसी जगह पे जाने नहीं दिया जा रहा है। बिना नंबर का गाड़ी को, जिसका नंबर है उसको तो जाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन जिसका नंबर नहीं है वो नहीं जा पा रहा है। वैसा हालत मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी नंबर नहीं है दोस्तों। तो जो भी हो प्रॉब्लम तो फेस कर रहा हूँ, और ऊपर से तबीयत का प्रॉब्लम भी है, जिस वजह से ना डॉक्टर को दिखाया और लैब का रिपोर्ट भी लाके घर में रख दिया। अभी ना कुछ टाइम निकला हूँ काम के लिए, लेकिन बारिश होने लगा दोस्तों, क्या करेगा बोलिए। एक तो ठीक से गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से बारिश हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस घुसने नहीं दे रहा है। जो मुसीबत है ना वो चारों ओर से घेर रहा है दोस्तों, पता नहीं आगे क्या होगा। ये देखिए अभी अभी पानी गिरा, रोड पूरा भीगा हुआ है। तो जो भी हो फिर बारिश होगा तो काम करना मुश्किल होगा। ऐसे भी मैं बारिश में भीग के ना मेरा बुखार आ गया, तो दोबारा नहीं भीगना चाहता हूं मैं। तो अभी बारिश होगा तो गाड़ी घर में घुसा देगा, ऐसे भी अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है दोस्तों। फैक्ट्री का जो काम है ना दोस्तों खत्म हो गया, देखिए लाइन से सब अपना अपना घर जा रहा है। तो उन्हीं में से किसी को पूछ लिया घर जाना है क्या, तो बोल रहा है फ्री में ले जाएगा। तब भी मैंने बोला उनको हाँ बैठिए ले जाएगा, फिर भी चला गया। इस तरीके से ना काम करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। अब कितना दिन तक रहेगा ये प्रॉब्लम हो तो पता नहीं, वेट कर रहा हूँ, शायद ये जो टाइम है कट जाए किसी भी तरह।
आने वाला समय जो है वो शायद अच्छा आ जाए, उसी का वेट कर रहा हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ खुद को शांत रखने की, लेकिन रख नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। देखता हूँ कब तक वेट करना पड़ता है। पानी गिरने के वजह से ना दोस्तों सड़क खाली हो गया एकदम, और ऐसे भी आज सुबह से सवारी नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। वैसे भी हमारा बंगाली कल्चर में ना आज नाग देवता का पूजा है, यानी कि बंगाली में उसको मनसा पूजा बोला जाता है, मनसा पूजा। तो आज नाग देवता का पूजा है, बताएगा सर। जलश्री बाजार हाँ खुचरा দিবেন, কিন্তু হ্যাঁ খুচরা দিবেন বলতে 50 টাকা, 10 টাকা নিবি, 40 টাকা নিবি, সে তো নিব ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ খুচরা রাখতে হবে না, তা হবে হবে হবে, দাঁড়ানো চলে না, চলে না 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 যে গরম, আর গাড়ি চালালে আরো বেশি গরম লাগে, গাড়ি চালালে গরম লাগে আর বেশি, বরং লোয়া ইঞ্জিনে হটাই দিয়ে গেছে না, আর ক্লান্ত লাগে বেশি, তাই না? হ্যাঁ কি করবেন, চালাইতে তো হবেই। বুঝেই তো কথা, কোথাতে বেরেলে? ভাই গুড়াম থেকে, গুড়াম থেকে গাড়ি ফিরে আসলাম, ও শিশা শিশা গোডাউন। আচ্ছা আচ্ছা শিশা গোডাউন না, বড় গাড়ি না, পিক আপ কোথায় যাবে? না থাকে তো আলিপুর, আলিপুরদুয়ার, কাঁচ নিয়ে ভর্তি না, মাল আছে 3 টন, মানে কাঁচ তো 28, এবার বাক্সের মধ্যে প্যাকেট থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু বেশি জোরে ঝাঁকি ঢাকি খাইলে তো ভেঙে যাবে না, সেবো দেবো, সেমতো বান্ধা আছে, একটু মাল হেলবে না, তাই না? মাল একটু হেলবে না, পাতলা মাল থাকে না, মোটা মাল, পাতলা মাল পাতলা কত এমএম? না পাতলা ইয়া সব এই দেশে ইয়া ঘরে জাল্লা ফাল্লা লাগে না, ও আচ্ছা, তার মানে 2 mm আর 1 mm, হ্যাঁ ওই ওই বুঝতে পারছি। আচ্ছা এই মালগুলো আসে কোথার থেকে? ইন্ডিয়া ঢুকে যাচ্ছে, ওদের থেকে ইয়েতে ইয়েতে পারায় স্টিমার, হ্যাঁ হ্যাঁ ও তো জাহাজে করে আসে, এবার ওখান থেকে ওদের অফিসিয়াল কাজকর্ম কমপ্লিট হওয়ার পরে এই ট্রাকে ট্রাকে চলে আসে সব জায়গায়, মানে আমাদের ইন্ডিয়ান বড় বড় ব্যবসাদাররা ওখান থেকে নিয়ে আসতেছে মালটা, দিলে বড় বড় ব্যবসাদার পুরো পুরো অল ওভার ইন্ডিয়াতে মাল সাপ্লাই দিচ্ছে, ওরা নিয়ে আসতেছে মালটা। ও টাটা আছে সামনে 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 দেখো, ও সামনে টাটা আছে, এইটা কাকা যাই তো হয় না, দাদা একটু চাপাই, দেখো দেখো কি দাঁড়া, তাহলে কি বলবো বলো, গাড়ি তো গাড়ি সাইকেল চালানোর ইচ্ছে নাই, আর গাড়ি তো দূরের কথা, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, घर जाने के बाद में दिखाएगा, तो अभी इसमें है, इसी में जो गाड़ी में दिखाया है, मैं अभी खोल के दिखाता हूं आप लोग, इसके अंदर है भाई, निकाल लेता हूँ पहले, ये रहा रिपोर्ट, ये जो है ना,
ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई, इतना समझ में आ रहा है। देखिए ये लिखा है ना, हेमोग्लोबिन, ये है टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट, और इस साइड में है ना जो होना चाहिए। देखिए नॉर्मल रेफरेंस यानी कि 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, है ना, 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, लेकिन मेरा इधर तो दिखा रहा है 15 से 30 का बीच। अब ये ज़्यादा है कम है, ये मेडिकल टर्म्स है वो मुझे उतना नहीं मालूम है भाई, जो भी है यही पर है, इधर भी नीचे भी कुछ है। ये देखिए मैंने 15 तारीख को करवाया था, यहाँ लिखा भी है 15 तारीख के, देखिए 15 अगस्त 2024, नीचे भी है एक पेज। जो भी है मुझे मालूम नहीं है क्या है, ये डॉक्टर ही अच्छा बता सकते हैं। इधर भी है एक, ये रिपोर्ट जो है ना डॉक्टर को दिखाएगा, उसी के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, या नया दवाई खाना पड़ेगा कि नहीं, रिपोर्ट ठीक है कि नहीं। और वैसे भी मैं आज गया था, रक्षाबंधन होने के वजह से छुट्टी है या किस चीज़ के लिए ओपीडी बंद है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ओपीडी बंद था। मैंने इंक्वायरी में पूछा तो उन्होंने बोला आज बंद है, आप सोमवार को आइए, तो मैं सोमवार को जाऊँगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो जो भी था दोस्तों इतना ही था, आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि बीच रास्ते में आते वक्त मैं भूल गया था, घर में आने के बाद थोड़ा जल्दी में था और ठीक से काम भी नहीं हो रहा था, उसका टेंशन भी था अलग से। तो जो भी है इतना तो दिखा दिया, और यहाँ बहुत सारा जो भी टेस्ट रिजल्ट और नॉर्मल प्रेफरेंस जो भी है उतना मुझे नहीं मालूम है, ये डॉक्टर को मालूम होगा, या तो जो पैथोलॉजी का लैब का जो स्टाफ है या डॉक्टर है उनको मालूम होगा। जो भी हो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से कल यानी कि रविवार, तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल।